लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को यहां तक करा दिया था कि पोटेंशियल बैरियर है, और पोटेंशियल बैरियर में केस फर्स्ट में ई की वैल्यू अगर लेस देन वी नॉट है तो उस केस में डी अपॉन सी की वैल्यू ये निकल के आई थी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, ऊपर नीचे आयोटा का मल्टीप्लाई करो, तो आयोटा एल्फा अपॉन आयोटा के, तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन एस इट इज, ऐसे ही यहाँ पे देखिए आयोटा हेल्फा अपॉन माइनस के प्लस वन ई की पावर में टू अल्फा ए डी अपॉन सी। आगे देखिए आगे देखिए टी अपॉन सी, तो ये हो जाएगा ऋतिक सागर को बोलो वो भी ज्वाइन नहीं हुआ है आज, टी प्लस आयोटा एल्फा अपॉन के माइनस आयोटा एल्फा ई की पावर में। ऋतिक मैंने बोला, सागर को भी बोलो। हाँ तो कल मैंने आपको ई लेस देन वी नॉट के लिए ये वाला स्टेप लास्ट में कराया था कि नहीं, और मैंने कहा था रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेरियर में अगर डी अपॉन सी की वैल्यू, अब देखिए आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आयोटा अल्फा आयोटा स्क्वायर से माइनस वन, तो माइनस के। ओके ऐसे यहाँ पे भी आयोटा एल्फा अपॉन आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस वन, गुड मॉर्निंग छवि, माइनस वन तो माइनस के प्लस वन ई की पावर टू एल्फा एज इट इज। ठीक है, तो डी अपॉन सी कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो के प्लस आयोटा अल्फा, और ये हो जाएगा के माइनस आयोटा अल्फा ई की पावर टू एल्फा। अब देखिए आपके पास डी अपॉन सी है और बी अपॉन ए भी मैं निकलवा चुकी हूँ आपको पहले वाले उसमें। ठीक है, तो देखिए डी अपॉन सी और बी अपॉन ए ये दोनों चीजें आ चुकी हैं आपकी। ओके तो अब आपको पता है क्या करते हैं, क्या रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट और कौन सा कॉफिशियंट, रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट एंड ट्रांसमिशन कॉफिशियंट, तो ये हम निकालेंगे यहाँ पे। अब ये निकालने के लिए आपको पता है सेम वही मेथड यूज करना है जो आप पहले करके आए हो, जो मैंने आपको पहले बताया है ना, तो देखो बार बार मैं करा नहीं सकती क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू डायरेक्ट लिखाऊंगी है ना, तो वो आप लोग खुद करके देखना आपका आंसर ये आता है या नहीं। तो आपके पास सी डी अपॉन सी की वैल्यू है, और अब मैं आपको निकलवाती हूँ रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली बताती हूँ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, ये केस फर्स्ट हुआ है अभी, अभी केस सेकंड नहीं हुआ है। ठीक है, तो केस फर्स्ट में ये आ गई वैल्यू। ओके देखिए केस फर्स्ट रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट निकालिए, रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट देखिए रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट कैसे निकालते हैं, आर आर की वैल्यू क्या होती थी, जे आर अपॉन जे आई, और आपको जे आर अपॉन जे आई, और जे की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितनी होती है, एच क्रॉस अपॉन टू एम आई साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ये होती है। ठीक है, तो आपको साई पता है किस फर्स्ट में, ओके साई स्टार भी आप निकाल लोगे प्लस की जगह माइनस आयोटा करके, इस तरीके से आप जे की वैल्यू निकाल लोगे, और आर की वैल्यू में जे आई भी निकाल लोगे जे आर भी निकाल लोगे, तो जब जे आई और जे आर दोनों आ जाएंगे उसके बाद हमारे पास जो आर आएगा डायरेक्ट, मैं आपको डायरेक्ट लिखा रही हूँ, मैं नहीं निकलवाऊंगी आप लोग खुद निकाल के देखना, क्योंकि आपको मैं पहले वाले में पूरा निकलवा के सिखा चुकी हूँ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आर की जो वैल्यू आती है डायरेक्टली निकल के वो आती है देखिए वन प्लस फोर ई वी नॉट माइनस ई, क्योंकि क्या था ई इज लेस देन वी जीरो था ना, तो इसलिए बीस में से वी नॉट माइनस ई किया है, वन प्लस ई फोर ई वी नॉट माइनस ई वी नॉट स्क्वायर साइन एच स्क्वायर ए अल्फा जी पावर माइनस वन, ये आपकी आ रही है। ओके किसके लिए, E less than V naught केस में रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के लिए। सिमिलरली R की वैल्यू ये है एंड T की वैल्यू जो आती है निकल के
वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। टी की वैल्यू जो आती है वो आती है आपकी, टी की वैल्यू मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, मैं नहीं निकलवा रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ उसी चीज को, ठीक है। ये देखिए, वन प्लस वी नॉट स्क्वायर साइन एच स्क्वायर ए अल्फा फोर ई वी नॉट माइनस ई की पावर माइनस वन, इन दोनों का उल्टा आता है, ठीक है। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आती है, टी की, किस केस में, ई लेस देन वी नॉट केस में, ठीक है। तो ये कब हो गया, आर और टी, जब ई लेस देन वी नॉट है। अब हम कब पढ़ेंगे, अब हम वो कंडीशन पढ़ेंगे पोटेंशियल बैरियर के लिए ही जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन वी नॉट होगी, ठीक है। तो चलिए वो वैल्यू भी पढ़ लेते हैं। आज जीवेश और हर्षित कहाँ गए, उन दोनों को कॉल करो कोई, जब तक मैं अगला टॉपिक लिखती हूँ तब तक। देखिए देखिए, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, इसी में ही अब हम केस सेकेंड पढ़ेंगे, क्या होगा केस सेकेंड, ई इज ग्रेटर देन वी नॉट, ठीक है। तो देखिए सेम वही कंडीशन, x इक्वल्स टू जीरो से x इक्वल्स टू a, ये v है और ये कितनी वैल्यू होती थी v नॉट, यहाँ ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकेंड रीजन है एंड दिस इज थर्ड रीजन। अब मैंने कंडीशन क्या ली है कि e इज ग्रेटर देन v नॉट, यानी कि ये v नॉट की जो वैल्यू है, v नॉट की जो वैल्यू है, यहाँ e की वैल्यू जो है वो ऐसे होनी चाहिए, ई जो लाइन है वो ऐसे होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वो वी नॉट से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट रीजन, फर्स्ट रीजन में देखिए, फर्स्ट रीजन में सबसे पहले किससे, फ्रॉम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, इन फर्स्ट रीजन, इन फर्स्ट रीजन, ओके। तो फर्स्ट रीजन में देखिए, फर्स्ट रीजन में माइनस का h क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डी डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर साई फर्स्ट प्लस वी साई फर्स्ट बराबर ई साई फर्स्ट। अब देखिए इस वाले रीजन में क्या v डिफाइन है, नहीं है, क्यों, क्योंकि v की वैल्यू क्या है इस वाले रीजन में, जीरो है। ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि इस वाले रीजन में आपकी v जो है वो जीरो है। तो देखिए सबसे पहले, सबसे पहले देखिए माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डेल्टा स्क्वायर साई फर्स्ट ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर, फर्स्ट रीजन में वी की वैल्यू जीरो, तो क्या रह जाएगा केवल ई साई फर्स्ट। तो देखिए डेल्टा स्क्वायर साई फर्स्ट ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर, इसको वहां ले जाइए, तो माइनस के टू एम ई ओवर एच क्रॉस स्क्वायर साई फर्स्ट, ठीक है। आगे देखिए ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर साई फर्स्ट ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ई ओवर एच क्रॉस स्क्वायर साई फर्स्ट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां से ये देखिए डी स्क्वायर प्लस, इसको एक कांस्टेंट मान लो क्या, के स्क्वायर, सेम पहले जैसा है, कुछ भी नहीं है। आपको अगर पहला वाला आता है तो ये इजीली हो जाएगा, बस यहाँ पे सेकंड केस में थोड़ा डिफरेंस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि पहले हमने v नॉट माइनस e लिखा था, अब हम क्या लिखेंगे, e माइनस v नॉट, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सॉल्यूशन इसका, तो वही m स्क्वायर प्लस
के स्क्वायर बराबर जीरो. तो ये हो जाएगा साई फर्स्ट इक्वल्स टू ए ई की पावर में आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर में माइनस आयोटा के एक्स. ये आ गया आपका साई फर्स्ट. ठीक है, साई फर्स्ट आ गया. अब निकालोगे आप क्या सेकेंड रीजन के लिए. तो चलिए सेकेंड रीजन के लिए भी निकालते हैं. ये फर्स्ट रीजन के लिए आ गया, इसको इक्वेशन नंबर दे देना फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट रीजन में इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब देखिए निकालिए सेकेंड रीजन में. ठीक है, फर्स्ट सेकेंड रीजन में देखिए, इन सेकेंड रीजन में देखिए वही h क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डेल्टा स्क्वायर साई सेकेंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई सेकेंड बराबर ई साई सेकेंड. ठीक है, तो v कितना है यहाँ पे सेकेंड रीजन में, v नॉट, और एनर्जी भी है e, तो v नॉट. ओके, तो देखिए माइनस का h क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डेल्टा स्क्वायर साई सेकेंड अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर फिर सॉरी वेट मैं क्या करती हूँ, एच क्रॉस वाई टू एम स्क्वायर को जल्दी जाती हूँ. तो देखिए डेल्टा स्क्वायर साई सेकेंड ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के टू एम ओवर एच क्रॉस स्क्वायर वी नॉट साई सेकेंड बराबर माइनस का टू एम ओवर एच क्रॉस स्क्वायर ई साई सेकेंड. ठीक है, तो यहां से देखिए डेल स्क्वायर साई सेकेंड ओवर डेल एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा. तो देखिए टू एम वाई एच क्रॉस स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लू और इसको क्या लिखूंगी ई माइनस वी नॉट साई सेकेंड. क्या ये सही है इस स्टेप से, क्या इस स्टेप से ये स्टेप आ सकता है या नहीं, कैन यू प्लीज टेल मी. मैंने कहा इस स्टेप से ये स्टेप आ सकता है या नहीं, मैंने बस कुछ नहीं किया है इस केस में. इस केस में बस e ज्यादा है किससे, v से. पहले वाले केस में क्या था, e लेस देन था, अब e इज ग्रेटर देन v नॉट के लिए हम निकाल रहे हैं. तो केस फर्स्ट में हमने ये वाली निकाल ली थी इसमें, क्यों, क्योंकि v की वैल्यू जीरो थी. अब हम साइज सेकेंड में निकालेंगे. तो साइज सेकेंड में देखिए ये आएगा या नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि साइज सेकेंड में v की वैल्यू कितनी है v नॉट, और यहाँ e इज ग्रेटर देन v नॉट है इसलिए हम e माइनस v नॉट कर सकते हैं. ठीक है, पहले वाले केस में क्या किया था, v नॉट माइनस e किया था, क्यों, क्योंकि वहां पे e इज लेस देन v नॉट था. बस इतना चेंज है इन दोनों केसेस में, अदरवाइज कोई चेंज नहीं है. उसके बाद सॉल्यूशन उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो चेंज हुआ है ना उसकी वजह से आपके सॉल्यूशंस भी क्या होंगे, चेंज होंगे. ठीक है, तो देखिए ये तो फर्स्ट रीजन में इक्वेशन आ गई, अब सेकेंड रीजन में निकालते हैं. तो देखिए सेकेंड रीजन में यहाँ पे देखिए हियर 2m over h cross square e minus v naught बराबर, इसको मैंने मान लिया k dash का square. क्या मान लिया, k dash का square. ठीक है, तो देखिए यहाँ से delta square psi secant over delta x square plus k dash square psi secant बराबर zero. ओके, ये आ गया. तो यहां से आगे देखिए को क्या लिख सकते हो आप, d स्क्वायर प्लस k डैश स्क्वायर साई सेकेंड बराबर जीरो. तब इसका सॉल्यूशन निकालिए. तो सॉल्यूशन के लिए देखिए पहले a और b हम यूज कर चुके हैं, तो इस बार a और b तो यूज नहीं होंगे, नहीं होंगे ना. तो a और b जब यूज नहीं होंगे तो क्या यूज होगा, देखिए साई सेकेंड. तो c और d कर लो, c e की पावर में आयोटा k डैश x प्लस d e की पावर में माइनस आयोटा k डैश x. ओके, तो सी और डी सेम वही लिखा रही हूँ जो मैंने पहले कराया था, बस यहाँ ई माइनस वी नॉट और वी नॉट माइनस ई का फर्क है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है. ठीक है, तो ये आ गया आपका साई सेकंड में. अब हम निकालेंगे साई थर्ड में. ठीक है, तो जब ये सब तीनों निकल जाएंगे उसके बाद वही चीज जैसे पहले निकाली थी हमने, बी अपॉन ए की वैल्यू और डी अपॉन सी की वैल्यू, तो वो वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, फिर से देखिए सेम रिपीटेशन है हर चीज में, कोई चेंज नहीं है. अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं आ रहा है तो फिर पता नहीं क्या कहोगे कि मैम एक ही लाइन को बार बार लिखाती रहती है.
ठीक है, अब देखिए इन थर्ड रीजन, इन थर्ड रीजन, तो थर्ड रीजन में फिर से देखिए भाई किससे, फ्रॉम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, माइनस का एच क्रॉस वाई टू है, डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर साई थर्ड प्लस वी साई थर्ड प्लस ई साई थर्ड। तो v कितना है थर्ड रीजन में, जीरो, v की कुछ वैल्यू ही डिफाइन नहीं है थर्ड रीजन में, v की वैल्यू कितनी है जीरो, तो जब v की वैल्यू जीरो है तो यहां जीरो रखोगे तो जैसे क्या हो जाएगा, e साई थर्ड, ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, डेल स्क्वायर साई थर्ड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2me over h cross square psi third बराबर 0, ठीक है, ये आएगा कि नहीं, है ना। अब इसको दोबारा से, ये हमने ऑलरेडी मान चुके हैं इसके इक्वल मान चुके हैं, हम k स्क्वायर के इक्वल हम मान चुके हैं, तो देखिए जब हम इसको k स्क्वायर के इक्वल मान चुके हैं ऑलरेडी पहले वाले केस में, फर्स्ट केस में क्या आया था 2me over h cross square, यही तो मानी थी, तो यहाँ पे भी ये इसी के इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई थर्ड बराबर जीरो, बट इस रीजन में फिर से कॉन्स्टेंट क्या हो जाएंगे चेंज, तो ए बी हो गए सी डी हो गए, तो अब ई एफ ले लो, तो देखिए साई थर्ड बराबर कितना हो जाएगा ई, ई की पावर में आयोटा k x प्लस एफ ई की पावर में माइनस आयोटा k x, हो गए आ गया, एनी प्रॉब्लम, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, मैंने क्या कहा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए, अब देखिए मैं केवल आपको है ना इतना ही सॉल्यूशन करा सकती हूँ, एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करा सकती, आपके पास साई सेकंड है साई फर्स्ट है और साई थर्ड है, बस साई थर्ड में आपको याद करना है कि भाई वेव ऐसे तो जाएगी बट ऐसे नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई वॉल नहीं है, तो डेट मीन एफ कोस के लिए क्या होना पड़ेगा जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो साई थर्ड किसके इक्वल हो जाएगा, केवल इसके इक्वल, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं, तो साई फर्स्ट है साई सेकंड है साई थर्ड तीनों आपके पास हैं, अब आपको अगेन किसकी वैल्यू निकालनी है, बी अपॉन ए की और डी अपॉन सी की, पहले वाले केस की तरह बी अपॉन ए की एंड डी अपॉन सी की, और जैसे ही वो वैल्यूज आ जाएंगी आप फिर से रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट और ट्रांसमिशन कॉफिशियंट की वैल्यू निकाल सकते हो, अब ये चीज मैं आपको बार बार नहीं करवा सकती, केवल मैं आपको केसेस समझा सकती हूँ कि ऐसे केसेस होते हैं और निकालने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता सकती हूँ, अब ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन चुके हैं तो वो आपको खुद फाइंड आउट करेंगे, और वैसे देखो अगर आपको नोट्स अवेलेबल हुए तो नोट्स में ये सारी चीजें हैं, ओके, बट आप लोगों को पता ही नहीं नोट्स कब मिलेंगे, ठीक है, तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी, अदरवाइज ये सब सेम है, ओके, ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया, अब हम एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन डाल लो, क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, नो चेंज, वही चीज करानी है बार बार बस, उससे पहले कराने, क्वेश्चन को कराने से पहले आपका एक टॉपिक रह गया था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, पहले मैं आपको वो टॉपिक करा देती हूँ उसके बाद मैं आपको कराऊंगी, ठीक है, और आपकी यूनिट फिर खत्म हो जाएगी, ओके, तो सबसे पहले देखिए करिए, एक टॉपिक था आपका प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, उसे करा देती हूँ मैं, क्योंकि आपको मैंने ये तो बता दिया कि जे आर और जे आई का फॉर्मूला क्या है बट वो रियलिटी में होते क्या है वो मैंने आपको नहीं बताया था, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी पहले मैं आपका वो टॉपिक स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है, देखिए देखिए वैसे पता है इसमें जो b अपॉन a और ये हम निकालने ना ये बहुत लंबा प्रोसेस है,
बट पेपर में एक्चुअली पूछा नहीं जाता है, बहुत रियर केसेस में पूछा जाता है, इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ. बट अगर आ भी जाता है तो आप लोगों को पैटर्न पता है, तो आप लोग एटलीस्ट कोशिश तो करके आ सकते हो, और नोट्स में आपको मिल ही जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना. वो फिर तो मैथमेटिकल पार्ट है और कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक रह गया था, स्टार्टिंग का ही टॉपिक था बट ये रह गया था. ठीक है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी. देखिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो है उसको हम जे के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. किसके थ्रू? थर्ड, कल से, शायद कल से नहीं तो परसों से डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है ना, तो कल से नहीं तो परसों से डेफिनेटली. और देखो मैं क्लियर बोल देती हूँ, जिसको सेकेंड यूनिट में ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी ना, थर्ड यूनिट उसी को बहुत इजी लगेगी, क्योंकि सब कुछ लिंक्ड होता है, कुछ भी अलग से नहीं होता है. ठीक है, तो मैं बार बार बोल रही हूँ, जिसको ये समझ में आ गया होगा उसके लिए थर्ड यूनिट बहुत इजी है, क्योंकि थर्ड यूनिट में भी यही सारी चीज है. ओके, सबसे सबसे लंबी यूनिट आई थिंक सेकेंड थी, यूनिट सेकेंड सबसे लंबी थी. ठीक है, तो जिसको नहीं आया उसको वो शुरू से ट्राई करें, क्योंकि है तो यही चीज, एक एक चीज समझाऊंगी मैं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं तो एक चीज बोल रही हूँ कि जिसने सेकंड यूनिट कर ली है, जिसको सेकंड यूनिट आ गई है, उसके लिए थर्ड यूनिट बहुत ज्यादा इजी है, और जिसको नहीं भी आई है वो फिर थर्ड यूनिट वही शुरू से, जैसे अपन यहाँ करते हैं ना, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, फिर हम वैल्यू रखते हैं, वो सारी चीजें उसमें होंगी. तो वो है तो वही पैटर्न, बस ये कि जिसको सेकंड यूनिट अच्छे से आ गई उसे थर्ड यूनिट में बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी लगेगा. और जैसे नहीं आई है तो देखो इतना तो सभी को आ गया, क्योंकि इतनी क्लास तो सबने ही अटेंड की है कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से हम स्टार्ट करते हैं, वहां फिर हम वी की वैल्यू रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इक्वेशन बनाते हैं, और उस इक्वेशन से सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट हो जाता है. तो ये सारी चीज, तो फिर वही चीज, फिर हम बाउंड्री वैल्यू लगाते हैं कि जीरो पे साई फर्स्ट जो है वो साई सेकेंड के इक्वल है, और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी एक दूसरे के इक्वल होगा, तो वहां से हम बी अपॉन ए और जो भी हमें वैल्यू निकालनी है वो सब निकाल लेते हैं. देखिए यूनिट थर्ड में ना कोई नया चेंज नहीं है, यूनिट थर्ड में क्या है, जैसे अभी हमने यहाँ पे पोटेंशियल स्टेप पढ़ा है ना, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल पढ़ा. ठीक है, और अब इससे आगे मैं आपको एक टॉपिक और है, स्क्वायर पोटेंशियल वेल, वो और कराऊंगी. बैरियर पढ़ लिया, स्टेप पढ़ लिया, एक वेल कुआ, कुएं की टाइप की जो चीज होती है वो और पढ़ाऊंगी. उसमें भी आपको ऐसे ही केसेस हैं, लेकिन उसमें भी मैं आपको केवल इतना ही कराऊंगी कि उसके साई और साई फर्स्ट, साई सेकंड, साई थर्ड कहाँ तक कैसे निकलता है. ठीक है, तो बस वही चीज बतानी है मुझे उसमें भी, है ना. लेकिन यही सारी चीज, अब ये तो था तीन चीजों के लिए सेकंड यूनिट में. थर्ड यूनिट में क्या है, आपका कोई चीज वन डायमेंशनल में मूव कर रही है. ठीक है, और वहां जो रूम है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब कि उसका पोटेंशियल बहुत 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 ज्यादा है, इनफाइनाइट फॉर्म में है, तो क्या होगा? तो फिर उस कंडीशन में पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन कैसे आएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो सकती है, पार्टिकल का मोमेंटम कितना हो सकता है, वो फिर उस केसेस में पढ़ेंगे हम यूनिट थर्ड में. और यूनिट सेकंड में मैं आपको बताई चुकी हूँ, बैरियर के लिए पढ़ लिया हमने और स्टेप्स के लिए पढ़ लिया. अब थर्ड चीज मैं और कराऊंगी स्क्वायर वेल, तो वो थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दूंगी कि वो होता क्या है, कैसे होता है. उससे पहले एक ये टॉपिक है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी. ठीक है, कोशिश करूंगी कल आधी क्लास में आपकी ये क्लास खत्म हो जाए. अरे क्यों नहीं आएगी थर्ड आशी, मैंने बोल दिया ना आपको, इतना इतना तो सबको ही आ गया है कि क्या कहते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन हमें यूज करनी है, उसके बाद हमें वी की वैल्यू रखनी है, फिर हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो वो चीज इतना आ गया ना, तो उसके लिए यूनिट थर्ड बहुत इजी है. और वो तो आई थिंक आप लोगों को भी आ गया, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट के टॉपिक्स तो अटेंड किए ही हैं कंटिन्यू, कोई बड़ी चीज नहीं है. ठीक है, तो ये तो सभी को आ जाएगा, डोंट वरी. ओके, ये दिमाग से निकाल देना कि सेकंड नहीं पड़ी है तो थर्ड नहीं आएगी. ओके, बहुत अच्छे से आएगी और बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी, डोंट वरी. ठीक है, पहली बार तो अभी पता चलेगा कि थर्ड यूनिट में कराऊंगी भी या नहीं. क्यों? क्योंकि हो सकता है आप लोगों की कुछ ऑफलाइन वगैरह का सिस्टम है ना, तो वो मैं सर से कंफर्म करके आप लोगों को बता दूंगी. वैसे तो जहां तक है मैं ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं दिवाली के बाद घर आ रही हूँ, तो ऑफलाइन क्लासेस मैं वहां लूंगी. ओके, तो ये तो कन्फर्म है. ठीक, हाँ थोड़ा थोड़ा आ गया, पढ़ोगे नोट्स पे से तो अच्छे से आ जाएगा. मैंने कहा ना थर्ड यूनिट जहां तक है मैं ही कराऊंगी, क्योंकि मैं 10 दिन रुकूंगी ऑलमोस्ट भरतपुर, और फिर मैं 10 दिन में तो आराम से थर्ड यूनिट कंप्लीट आपकी करा के ही आऊंगी. ओके, तो ऑफलाइन क्लासेस भी अगर हुई तो थर्ड यूनिट तो मैं ही कराऊंगी. फोर्थ
देखी जाएगी। फोर्थ जब मैंने 3 यूनिट कराई है तो हो सकता है तुम्हारी तो कुछ दिन के लिए ऑफलाइन क्लासेस फोर्थ के लिए भी स्टार्ट हो जाए, 6-7 दिन में कंप्लीट हो जाएगी फोर्थ, ज्यादा यूनिट पड़ी नहीं है। पर ऑफलाइन जो क्लासेस हैं 10 दिन की, उसमें मैं आपको भरतपुर में आके खुद पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है ना। तो देखिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को हम डिनोट किससे करते हैं, जे से, किससे, जे से। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, मतलब कि इसके लिए भी डायरेक्शन की नीड होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वेक्टर क्वांटिटी है और जो कि किसमें किसमें किस फील्ड में रिप्रेजेंट किए जाएगी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके लिए फील्ड भी कैसा होगा, एक वेक्टर फील्ड। और वेक्टर फील्ड कौन से फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज वेक्टर फील्ड। हाँ ये तो देखो सभी जगह सबको पता है, ऑफलाइन ज्यादा बेटर है, उसमें आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो, कोई चीज नहीं आ रही हो तो बार बार पूछ सकते हो। ऑनलाइन तो देखो ऑनलाइन ही है, अगर ऑनलाइन बेस्ट होती तो फिर लाइफ टाइम ऑनलाइन ही चलती ना। अब देखिए सबसे पहले हम इसको निकालेंगे कैसे, ठीक है, तो मैं आपको निकालना सिखा देती हूँ। ओके, देखिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, तो देखिए वी नो दैट फ्रॉम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, देखिए From time independent Schrödinger equation, ठीक है, time independent Schrödinger equation, okay? तो देखिए time independent Schrödinger equation क्या होती है, iota h cross del psi over del t। अब आप कहोगे मैडम ये क्या लिख दिया आपने, अभी बताती हूँ। h cross upon 2m del square over del x square psi plus v psi, v psi, ठीक है, ये होती है आपकी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। देखो ये तो आप लोग पढ़ते हुए ही आए हो कि माइनस के एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस वी साई। अब ये क्या आ गया, ये देखो आप लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, ई साई, क्या लिखते थे, ई साई, ई साई। बेटा ई की जो वैल्यू होती है वो होती है आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी, क्या होती है, आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी। तो ई की मैंने बस वो वैल्यू पुट कर दी है, आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी साई, और कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, मैंने केवल क्या किया है, आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी साई इतना लिख दिया है। ओके, तो आगे देखिए, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट लीजिए, आयोटा एच क्रॉस डेल साई स्टार ओवर डेल t बराबर माइनस का h क्रॉस y 2m, ओके, डेल स्क्वायर ओवर डेल x स्क्वायर साई स्टार प्लस v साई स्टार। ठीक है, स्टार लेना है ना, कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट में आपको पता है जब भी हम स्टार लेते हैं तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो जाता है, क्या हो जाता है, आयोटा की जगह माइनस आयोटा। ठीक है, अब देखिए यहां आपका ये आ गया और ये आ गया, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, तो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाई साई स्टार, मतलब फर्स्ट में तो साई स्टार से मल्टीप्लाई करो और सेकेंड में किससे मल्टीप्लाई करना है, साई से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा, देखिए आयोटा एच क्रॉस साई स्टार आ गया। ठीक है, आयोटा एच क्रॉस साई स्टार, यहाँ पे देखो एच क्रॉस स्क्वायर था, फिर यहाँ पे भी साई स्टार, और फिर यहाँ पे वी साई स्टार साई आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, फर्स्ट इक्वेशन में साई स्टार का मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया उसको पूरी इक्वेशन में लिख के। सिमिलरली सिमिलरली आगे सेकेंड जो इक्वेशन है उसमें मैंने क्या कहा है आपको कि उसमें साई से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए इसमें साई से मल्टीप्लाई कीजिए, सेकेंड इक्वेशन में माइनस का आयोटा एच क्रॉस साई, ओके, यहाँ भी देखिए साई, ओके, यहाँ भी वी साई पहले आएगा और फिर साई स्टार बाद में आएगा। ठीक है, वी साई साई स्टार, ओके, नाउ अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है और ये इक्वेशन नंबर फोर्थ है।
पहले फर्स्ट सेकंड दी, पहले हमने फर्स्ट ली की, उसका कॉन्जुगेट लिया, फिर फर्स्ट में तो साई स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड में साई से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये सब करने से पहले आप लोग ऐसा कर लो, क्लास से ना रिज्वाइन कर लो, क्योंकि फिर टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है।